30,000 रुपीज़ का बजट है यहाँ पे गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करने देते हैं यार। वीडियो को एंड तक देखते रहो। इस वीडियो में मुझे कि है बेस्ट यहाँ पे कंप्यूटर सर्च करूँगा इस गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए। इस वाले पीसी आप जो कि है 1080p लो टू नॉर्मल सेटिंग्स पे GTFS गेम में 40+ FPS यहाँ पे जो कि है इजीली अचीव कर पाएंगे। इवन यहाँ पे आप जो कि फोटोशॉप प्रीमियर प्रो एंगस फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे आप जो कि इजीली यहाँ पे आप जो कि रन कर पाएंगे। वीडियो अंदर देखते रहिए, चैनल पे नए चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करे मत जाना। इंस्टा पे अगर आप फॉलो करने रहते तो यार लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगी। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो यार यहाँ पे हमने जो कि AMD की तरफ से राइजन 5 5600G यहाँ पे जो कि प्रोसेसर का यूज किया है। ये वाला आपको जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। 3.9 GHz की यहाँ पे आपको बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 4.4 GHz की यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 19 MB की यहाँ पे आपको कैश मेमोरी देखने को मिलती है गाइस। DDR4 3200 MHz डुअल चैनल रैम को वाला जो कि यहाँ पे प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इसमें आपको AMD के Radeon इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। 6 कोर्स यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। 64 की इसमें कुछ की TDP देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गया ये वाला प्रोसेसर यहाँ पे आपकी जो कि सारे टास्क यहाँ पे इजीली हैंडल कर लेगा। आपको जो कोई भी यहाँ पे देखिए दिक्कत तो नहीं होने वाली गाइस। इजीली आप जो कि इस प्रोसेसर पे आपके डे टू डे के टास्क आराम से परफॉर्म कर पाएंगे। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 11,649 रुपीज में आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मदरबोर्ड में गाइस हमने जो कि GigaBit की तरफ से B50M DS3H V2 यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड का यूज किया है। AMD के फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के सारे मदरबोर्ड्स को यहाँ पे जो कि सपोर्ट करता है। एंड गाइस ये वाला मदरबोर्ड जो कि इस वाले प्रोसेसर को भी इजीली यहाँ पे जो कि कंपैटिबल हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स आप जो कि बस यहाँ पे इंसर्ट करके इजीली यहाँ पे जो कि प्रोसेसर को आप जो कि यूज कर सकते हैं। माइक्रोटेक्स यहाँ पे आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है। NVMe M.2 Gen 3 SSD का यहाँ पे आपको जो कि स्लॉट देखने को मिलता है। RGB Fusion LED Strip देखने को मिलती है। DDR4 के 4 RAM स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं गाइस, जो कि यार अप टू 320 MHz के रैम को यहाँ पे जो कि सपोर्ट करते हैं। Digital VRM Solution यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। HDMI गाइस DVI D port यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। सारे USB के पोर्ट्स वगैरह आपको जो कि देखने को मिल जाते हैं गाइस। प्राइस के बारे में बात करूं तो 7,100 रुपीज़ में आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रैम के बारे में बात करूं तो गाइस हमने यहाँ पे जो कि XPG की तरफ से 8GB सिंगल रैम मॉडल का यूज किया है। 320 MHz की यहाँ पे आपको जो कि रैम देखने को मिलती है। अंगस अगर आपको जो कि 8GB रैम सफिशियंट नहीं रहते तो आप जो कि एक और 8GB की रैम की मॉडल यहाँ पे जो कि परचेस कर सकते हैं। मदरबोर्ड में आपको जो कि 4 स्लॉट्स मिलते ही हैं। जितनी चाहिए आप जो कि उतनी रैम को जो कि यूज कर सकते हैं। 8GB की रैम आपको जो कि 1,858 रुपीज में देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टोरेज में हमने जो कि SSD का यूज किया है गाइस, क्रूशियल की तरफ से P3 500GB की हमने यहाँ पे जो कि SSD यूज की है। ये वाली आपको जो कि NVMe M.2 Zen 3 वाली आपको जो कि SSD देखने को मिलती है। इसमें आपको जो कि 3500 MBPS की रीड स्पीड, 3000 MBPS की यहाँ पे आपको जो कि राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि SSD देखने को मिलती है गाइस। इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो कि अच्छी खासी यहाँ पे आपको जो रीड एंड राइट स्पीड जो कि प्रोवाइड करती है। प्राइस की बात करूँ तो 2,706 रुपीज में आपको ये जो कि SSD देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पावर सप्लाई के बारे में बात करूँ तो गाइस हमने यहाँ पे जो कि डीप कूल की तरफ से PF550 यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई का यूज किया है। ये वाला आपको जो कि 80+ स्टैंडर्ड पावर सप्लाई देखने को मिलता है। 550 वॉट की यहाँ पे आपको जो कि कैपेसिटी देखने को मिलती है गाइस इसकी। अगर इसमें आपको जो कि 80x24 पिन, 4+4 पिन सारे पिन वगैरह देखने को मिलते हैं। सारे पोर्ट्स एंड पिन सब कुछ देखने को मिलते हैं गाइस। गाइस बढ़िया यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देखने को मिलता है। इस वाले पीसी को रन करने के लिए मोर देन एनफ वाला जो कि पावर सप्लाई रहने वाला है। अगर आप जो कि इन फ्यूचर यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी पेयर करना चाहते हैं इजीली आप जो कि इस वाले पावर सप्लाई पे ही रहते हुए आप जो कि ग्राफिक कार्ड पेयर कर सकते हैं। आपको जो कि पावर सप्लाई को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 3,820 रुपीज में आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैमरे के बारे में बात करूँ तो गाइस हमने यहाँ पे जो किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 220 एयर यहाँ पे जो किया है कैमरेट का यूज किया है। ये वाला कैमरेट आपको जो कि फ्रंट में ग्लास वाला देखने को मिलता है गाइस। एंड गाइस इस वाले कैबिनेट में आपको जो कि 4 प्री इंस्टॉल्ड RGB फैंस देखने को मिलते हैं, 3 फ्रंट एंड गाइस 1 रियर में। टेम्पर ग्लास फेस शॉट देखने को मिलता है गाइस। माइक्रो ATX, ITX, मिनी ATX सारे जो कि यहाँ पे जो किया मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करता है कैबिनेट। बजट में रहते हुए आपको जो कि बढ़िया एयरफ्लो वगैरह देखने को मिलेगी गाइस। स्पेशियस यहाँ पे आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूँ तो 3,669 रुपीज में आपको
वाला जो की कैमरा देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस ये कुछ तो हमारा पीसी बिल्ड गाइस। अगर टोटल बिल्ड के प्राइस की हम बात करूं तो 30,800 रुपीज में आपको जो की पीसी कम्प्लीटली बिल्ड हो जाएगा विद ऑल कंपोनेंट्स। अगर परफॉर्मेंस अगर मैंने आपको बताई दी है, आप जो की सारे टास्क इजिली इस पे जो परफॉर्म कर पाएंगे। वो जो बढ़िया यहाँ पे आपको पीसी देखने को मिलता है गाइस। अगर आप जो बिल्ड कर रहे तो यार सारे लिंक्स आपको जो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप जो कि सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे जो कि इजीली परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं आता चैनल को जो कि जरूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस। इस वीडियो में इतना ही, रखते हैं, मिलते हैं उसके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।